व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। देखिए, हर एक इंसान इस धरती पर एक खाली चेक की तरीके से आता है। अब उस चेक में आप लोगों को कितनी कीमत भरनी है, ये आप लोगों को अपने आप डिसाइड करना है। और ये डिसीजन किसके बेस पर होगा? आपके गुण और आपकी योग्यता के आधार पर। हर एक इंसान बिल्कुल खाली चेक की तरीके से धरती पर आता है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग इंसान। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई क्रिकेटर बनता है, या कोई कुछ कोई और दूसरा काम करता है। कोई भी काम करे, अगर वो इंसान अपना मन लगा के करे, अगर उस काम को इस तरीके से करे कि वो जैसा ये काम कोई ना कर पाए, तो उसकी कीमत इतनी हो जाएगी कि उस इंसान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंस इस सोसाइटी में हो जाएगी। जी हाँ, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आप के अंदर कितने गुण हैं और आप कितने योग्य हैं, आप अपने काम को कितने बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। जो कोई भी अपने काम को जितने शानदार तरीके से आज की डेट में कर रहा है, उसको आप लोग देखेंगे वो आज की डेट में दुनिया में सबसे टॉप पर है अपने फील्ड में। किसी का भी आप लोग उदाहरण यहां पर ले सकते हैं आज की डेट में। तो चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, किसी भी फील्ड से कनेक्टेड क्यों ना हो, अगर आप अपना काम मन लगाकर कर रहे हैं, तो आप उस फील्ड में टॉप पर पहुंच ही जाएंगे एक ना एक दिन। तो कोशिश कीजिए, अपना जो भी काम आप लोग करते हैं उसको छोटा बड़ा मत मानिए, बस उसमें दिल लगाकर काम करिए और वो आपको इतना पे करेगा आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस काम से जो भी आप लोग काम करें इतनी ज्यादा कमाई कैसे हो सकती है और आप लोग अपनी एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए, अब आप लोग अच्छे से त्यौहार को एंजॉय कर चुके हैं, अब बैक टू द बैटल फील्ड आ जाइए। अब फिर से अपना मैदान में कूद जाइए और अपनी पढ़ाई पर फोकस दीजिए और अच्छे से अपना स्टडी कीजिए और अपना रिविजन भी अच्छे से करके चलिए। एग्जाम अब आप लोगों के पास में आ रहे हैं। ओके, तो आज 3 मार्च है, देख लेते हैं। नैनो मैगजीन के तहत हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पीआईबी योजना, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, प्रीलिम्स से कुछ फैक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आखिर काफी इंटरेस्टिंग चीजें आज आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पीआईबी की न्यूज से और इसके साथ में ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज से। तो स्टार्टिंग में ये देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या क्या है, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर मिलन एक्सरसाइज के बारे में जिक्र किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता है मालदीव में काफी लंबे समय से इमरजेंसी लगी हुई है और यहाँ पर मालदीव जो है इस मिलन एक्सरसाइज में ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया के द्वारा कंडक्ट की जाती है। कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में। तो हमारे एरिया में, अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, पर लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि न्यूज में आ गई, ये एक्सरसाइज करने के लिए इंडिया ने बुलाया मालदीव को, पर मालदीव ने आने से मना कर दिया। जी हाँ, मालदीव में आप लोगों को पता है इमरजेंसी लगी है, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोग इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सके। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा मालदीव को जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर टैकल करके चल रहे हैं, वो बहुत ही आज के दिन में हमारे उनके रिलेशन काफी गलत डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं उन्होंने इनडायरेक्ट वे में हमको मना कर दिया कि हम लोग आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं, जो कि आज के दिन में वहां के जो आज के दिन में वहां पर प्रेसिडेंट है। तो आप लोग इसको उस तरीके से भी ले सकते हैं। ओके, तो काम क्या रहता है इस एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकती है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि किस कंट्री ने यहां पर मना कर दिया है, तो कंट्री है मालदीव ने। तो एम क्या होता है इस एक्सरसाइज का? एम होता है किस तरीके से हम लोग रीजन में, जिस भी रीजन में हम लोग रहते हैं वहां पर कोऑपरेट कर सकते हैं आपस में, और अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है सी वाले एरिया में तो किस तरीके से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलन एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा आप लोग यहां पर जान लीजिए। ये जो स्टार्ट की गई थी फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 1995 में, 1995 में इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था और तब से लेके आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें काफी कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडोनेशिया हो गई, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका और थाईलैंड, और 2014 में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया यहाँ पर, टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा 17 कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो इसकी वजह से 2014 जो एडिशन था इसका, वो अब तक का सबसे बड़ा एडिशन यहाँ पर बोला जा रहा है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, पास्ट में एक्सरसाइज 3 बार नहीं हुई है, 2001 में, 2005 में और 2016 में। तो देखिए इनमें से ये तो दोनों आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये वाले जरूर याद रखिएगा। 2004 में आप लोगों को देखने को मिला जो सुनामी आई थी, उसकी वजह से ये 2005 में कंडक्ट नहीं कराई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है और खासकर इंडिया के द्वारा कराई जाती है, इंडियन नेवल फोर्सेज के द्वारा, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। अब तक आप लोगों को यहाँ पर 4G नेटवर्क अपने फोन में देखने को मिलते थे, अब नेक्स्ट आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा 4G नेटवर्क मून पर भी आने वाले हैं। जी हाँ, चांद पर भी 4G का नेटवर्क आप लोग जियो का सिम वहां पर भी जाकर यूज कर सकते हैं, वहां पर भी जाकर आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। जी हाँ, 2019 में बोला जा रहा है 4G के नेटवर्क चांद पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वोडाफोन जर्मन कंपनी के द्वारा। इसके साथ में मिलकर काम करने वाले हैं नोकिया और इसके अलावा कार मेकर ओडी कंपनी, तो तीनों कंपनी ये मिला के काम करने वाली है और बोल रही है कि 2019 तक हम लोग यहाँ पर कनेक्शन पहुंचा देंगे, नेटवर्क पहुंचा देंगे मून पर, यानी के चांद पर। आखिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये ऐसा किया जा रहा है, 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों को पता होगा अपोलो मिशन के,
अपोलो मिशन भेजा गया था चांद पर, और आप लोगों नील आर्मस्ट्रांग का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस मिशन को भेजे हुए यहां पर 50 साल हो गए हैं, तो उसी की याद में यहां पर ये बात बोली गई है इन तीन कंपनी के द्वारा। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्राइवेटली फंडेड किया जाएगा, और यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट में थोड़ा जाकर देखेंगे अपोलो प्रोग्राम, जिसको प्रोजेक्ट अपोलो भी बोला जाता है। थर्ड यूनाइटेड स्टेट का ये एक ह्यूमन स्पेस लाइट प्रोग्राम था जो कि चांद पर भेजा गया था चांद को देखने के लिए और वहां पर रिसर्च करने के लिए कि किस तरीके से वहां पर चीजें चल रही है, नासा के द्वारा भेजा गया था। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी इसरो है, इसी तरीके से यूएसए की नासा कंपनी है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट था कितना 1969 में, तो 1969 से आप लोग अगर काउंट करेंगे 2019 तक का, तो यहां पर 50 साल आप लोग कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। तो किसके उपलक्ष्य में है ये भी थोड़ा कई बार पूछ लिया जाता है हिस्ट्री में जाकर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ये पिक्चर आप लोगों को याद होगी, बहुत बार ये काफी न्यूज में भी रही जब आप लोगों ने देखा होगा इस पिक्चर के बारे में। तो ये है नील आर्मस्ट्रांग जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, अपोलो मिशन था और नासा के द्वारा मिशन भेजा गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर स्कीम में काफी इंपोर्टेंट है, स्वजल योजना के बारे में जिक्र किया गया है। लॉन्च कहां से की गई है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान में, राजस्थान में भीकमपुर से, कारौली से स्टार्ट की गई है। ठीक है, राजस्थान स्टेट याद रखिएगा, इतना ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, बस राजस्थान स्टेट याद रख लीजिएगा। यहां पर स्टार्ट की गई है स्वजल, ये कम्युनिटी का एक प्रोग्राम है, ड्रिंकिंग वाटर को यहां पर किस तरीके से हम लोग सस्टेन बना सकते हैं और किस तरीके से वाटर सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, उसके ऊपर यहां पर फोकस किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए, इस तरीके का जब प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहां पर कॉस्ट आनी होती है, तो इस तरीके की कॉस्ट आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा। इस तरीके कॉस्ट की जब बात आती है यहां पर, तो किसी ऐसे पर्सन की स्टार्ट या फिर कम्युनिटी के द्वारा स्टार्ट नहीं की जा सकती, तो गवर्नमेंट को ही फंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये किसके द्वारा फंड किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जा रहा है 90%, और 10% यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉस्ट जो कम्युनिटी के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो कम्युनिटी और गवर्नमेंट का मिला के प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके प्रोजेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकल एरिया में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, मतलब जो इसको इंप्लीमेंट करने वाले होंगे, जो प्रोजेक्ट को देखने वाले होंगे, वो लोकल एरिया के लोग होंगे, मतलब पंचायत के लेवल पर काम यहां पर किया जाएगा ताकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। और देखिए, जब कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी होती है, और जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात आती है, तब तब आप लोगों को देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो प्रोजेक्ट के साथ साथ में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता हुआ भी नजर आएगा, और एक अच्छा सेफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर हमारी कंट्री में प्रोवाइड कराया जा सकेगा। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। काफी बार इस तरीके की स्कीम जो होती है, खासकर पानी को लेकर आप लोग देखते हैं, गंगा को सफाई करने का कितना अभियान चल रहा है, आज तक वो सफाई नहीं हो पा रही है, और पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो उन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा अगर इस प्रोजेक्ट को ढंग से इंप्लीमेंट करके आगे हम लोग बढ़ा पाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान जरूर रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं यहाँ पर साथ। जी हाँ, जिस तरीके से मेरा और आप लोगों का साथ चल रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर एक साथ के बारे में जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा ये साथ है, क्या है इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रख सकते हैं यहाँ पर, ये सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। जी हाँ, जब बात आती है ह्यूमन कैपिटल की और उसको ट्रांसफॉर्म करने की, दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक तो एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। अगर एजुकेशन और हेल्थ अच्छे से प्रोवाइड करा पाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इंसान को अपने आप मिल जाता है एक प्रॉपर वे में। तो उसी के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा ताकि यहाँ पर जो पर्सन है उनको एजुकेशन और हेल्थ अच्छी प्रोवाइड कराई जा सके। तो उसके लिए एक टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी नीति आयोग के द्वारा। और ये नीति आयोग के द्वारा अकेले चलाया गया प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर मिलजुल कर काम किया जा रहा है। प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नीति आयोग के साथ में मैकिन्से कंपनी है, इसके साथ में आईपीई ग्लोबल कंसोर्टियम है। तो ये सारी मिलकर यहां पर काम करेंगे, तब जाकर इसको यहां पर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इंप्लीमेंटेशन इसके थ्रू होगा, और बाकी का कलेब्रेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके तहत रोड मैप तैयार किया जाएगा, प्रोग्राम डेवलप किया जाएंगे, स्ट्रक्चर किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा, ट्रैकिंग किया गया। तो ये काफी फोकस आप लोगों यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंस जो यहाँ पर दिया जाएगा, टेक्निकल जो सपोर्ट दी जाएगी, वो नीति आयोग के द्वारा दी जाएगी। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इस तरीके कई बार वर्ड दे दिए जाते हैं, बोलेंगे साथ क्या है, पूछ लेंगे आप लोगों से देकर ऐसे ही कि हाँ ये ऑटोमेटिक मशीन है, आप लोगों को बोल देंगे ये सुपर कंप्यूटर है, कुछ भी ऐसा बोल देंगे, मतलब किसी भी तरीके से कि ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया कोई प्रोग्राम है। तो आप लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए वो है क्या और किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो कई बार इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं। तो नीति आयोग के लिए यहां पर पिक्चर भी मैंने डाल दी है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो साथ यहां पर फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर्टिकुलर वर्ड का भी मीनिंग पूछ लिया जाता है कई बार।
नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के बारे में। तो ये अवार्ड कई बार पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 21st ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई हैदराबाद में तेलंगाना में, जहां पर 21st आप लोगों को ये इस तरीके से अवार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब की बार की जो थीम थी यहाँ पर ये आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा, टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सेलेशन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को एक्सेलेट करने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सेलेटिंग द डेवलपमेंट, तो ये यहाँ पर थीम थी, तो थीम को जरूर याद रखेगा। तो यहाँ पर होता क्या एक्चुअल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसने ढंग से यहाँ पर ई गवर्नेंस को इंप्लीमेंट किया है अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो कौन यहाँ पर डिपार्टमेंट, कौन यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, किस तरीके से नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई भी यहाँ पर जो भी ढंग से यहाँ पर अपने यहाँ पर रिफॉर्म करके चलता है और आराम से यहाँ पर अच्छे से ग्रीवेंसेज टैकल करके चलता है, कोई भी अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग अमेजन ही ले लीजिए, ठीक है। तो अमेजन क्या कर रही है, अगर मान लीजिए सर्विस ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रही है तो ग्रीवेंसीज है उसके, तो वहां पर उसके ग्रीवेंसीज सुनने चाहिए ढंग से। गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस ले सकते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट ले सकते हैं, एनर्जी से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट ले सकते हैं गवर्नमेंट का भी, तो वहां पर आप लोगों को ढंग से सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उस पर फोकस देकर चला जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द पब्लिक ग्रेवेंसीज यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, जो काम करती है यहाँ पर नजर आ रही है चीजों को टैकल करने में। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा, सीधा सीधा मतलब ये है किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू ICT इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू चीजों को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेस कम कर पा रहे हैं, और जितना ह्यूमन इंटरफेस कम रहेगा उतना ही करप्शन कम रहेगा और उतनी ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और उतना ही जो भी हम लोगों को किसी तक हम लोगों को कोई भी स्कीम्स या कोई भी आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है कस्टमर तक या फिर किसी बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल तक, तो हम उसको पहुंचा पाएंगे आराम से इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं ये, एनकरेज भी कर रहे हैं जो भी डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की ट्रॉफी यहाँ पर देखने को मिलेगी जो यहाँ पर दी जाएगी जो भी यहाँ पर कोई अपना जिस भी एरिया में ढंग से वर्क कर रहा है। तो ओके, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट और काफी शानदार है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो माना जाता है स्टार्टिंग के 6 महीने उसको माता का ही दूध पीना चाहिए और वो उसके लिए कंप्लीट डाइट का काम करता है, कंप्लीट आहार बच्चे के लिए वो होता है। पर लेकिन कई बार कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार बच्चों की डेथ हो जाती है, उसकी वजह से जो दूध रहता है माता का वो वेस्ट जाता है, ठीक है। और कई बार कई सारे बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, मान लीजिए किसी की माता की डेथ हो गई है प्रेगनेंसी के दौरान पे, उस टाइम पर बच्चा पैदा करते हुए, तो तब भी प्रॉब्लम कई सारी आ जाती है, उस बच्चे को दूध नहीं मिल पाता है। और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली डे बाय डे में ये चीज तरीके एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक वात्सल्य मातृ अमृत कोष की बात की गई है, यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC ये दिल्ली में है, यहाँ पर एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा मिल्क बैंक यहाँ पर, जी हाँ, जो यहाँ पर मिल्क बैंक बनाया गया है, बच्चों को यहाँ पर दूध प्रोवाइड कराया जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये आप लोग याद रख सकते हैं, इंडिया के साथ में नॉर्वे की गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पर काम कर रही है, ओस्लो यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्वे इंडियन पार्टनरशिप इनिशिएटिव है ये, मतलब इंडिया और नॉर्वे कंट्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक। जी हाँ, अब तक आप लोगों ने सुना होगा मदर डेयरी वगैरह या फिर दूसरे भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर अमूल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वहां पर जानवरों का मिल्क रहता है, यहाँ पर ह्यूमन का मिल्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे रहते हैं आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, मतलब जो बच्चे रहते हैं वो स्टार्टिंग की एज में बहुत ज्यादा बच्चों की डेथ हमारी कंट्री में होती है और बहुत टॉप पर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पर प्रोटेक्ट करता हुआ बच्चों को और इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रमोट करता हुआ ये नजर आएगा। तो डेडिकेटेड सेंटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर टीचिंग ट्रेनिंग और किस तरीके से यहाँ पर ये चीजों का यूज किया जा सकता है और किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जाएगा, कंप्लीट एक एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप लोग यहाँ पर मिनिस्ट्री और याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंडर यहाँ पर वर्क चल रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा आप लोग देख सकते हैं कई सारे बच्चे पैदा होते हैं वो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, तो उनको भी कुछ ऐसे ही करना पड़ता है, उनको फीडिंग करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अगर इस तरीके से ढंग से प्रॉपर वे में स्टैब्लिश होकर अगर ढंग से वर्क करना स्टार्ट करता है तो आने वाले टाइम में आप लोगों और एरिया में भी ये नजर आएंगे। ओके, तो इस तरीके की बातें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, एग्जाम में क्या इंटरव्यू में भी इस तरीके की बातें पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ चल रहा है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखते हैं, यह है विंध्यागिरी हिल के बारे में। तो कई बार हिल्स और रिवर आप लोगों से पूछ ली जाती है, मैं यहाँ पर ये भी साथ साथ में कवर करके चल रहा हूँ।
तो विंध्यागिरी हिल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, टू हिल्स है ये। पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सरवन अबेला गोला, ये कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और दूसरी यहाँ पर दिखने को मिलेगी चंद्रागिरी। तो दोनों हिल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, हिस्ट्री में आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ जाता है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जहां कनेक्ट हो जाती है वो क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पूछी जा सकती है आप लोगों से। तो सर्वे जो ये हिस्टोरिकल रिकॉग्नाइज प्लेस है, कई बार आप लोग अगर हिस्ट्री आप लोगों का ऑप्शनल है तो आप लोगों का पता होगा वहां पर जगह को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी आता है। मेन अट्रैक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर मोनोलिथिक स्टेचू बाहुबली की आप लोगों को देखने को मिलेगी विंध्यागिरी हिल पर। विंध्यागिरी हिल पर मोनोलिथिक मतलब होता है एक पत्थर के ऊपर बनाई गई स्टेचू, मतलब मूर्ति एक पत्थर के ऊपर बनाई गई एक तस्वीर आप लोगों को यहाँ पर बाहुबली की देखने को मिलेगी, जो कि विंध्यागिरी हिल में है। ये बाहुबली मूवी नहीं है, ठीक है, कभी मूवी की बात कर रहे हो, ये बाहुबली आप लोगों को देखने को मिलेगा। थे कौन, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ, जैनिज्म धर्म से कनेक्टेड है पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा, सेकंड बात है ये आदित्यनाथ के संत थे, आदित्यनाथ योगी नहीं, आदित्यनाथ जो आप लोगों बाहु जो थर्ड जो फर्स्ट तीर्थांकर थे जैनिज्म के, ठीक है, तो उनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, तो उनके संत है ये जिनका नाम आप लोगों को बाहुबली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हिस्टोरिकल भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस रिलीजन से कनेक्टेड है, तो इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती है, क्वेश्चन आते हैं और आ भी चुके हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं, देखिए अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को कि किस कौन सा ऐसा रास्ता है जहां पर सबसे सस्ता पड़ता है अगर कोई प्रोडक्ट हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, तो सबसे सस्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा वाटरवेज पर, दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रोडवेज पर, और तीसरे नंबर पर आप लोगों को एयरवेज पर। रोडवेज में भी दो डिवाइड हो जाता है, एक तो रोडवे होता है नेटवर्क और एक होता है रेलवे का नेटवर्क। तो रेलवे में सस्ता पड़ता है, और जो रोड के थ्रू ट्रक के थ्रू या बस के थ्रू कोई सामान अगर आप लोग ले जाते हैं वो महंगा पड़ता है। तो इस तरीके से सबसे सस्ता कहां पे पड़ गया, वो पड़ गया वाटरवेज। तो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा पास्ट में जो अंग्रेज हुआ करते थे आप लोगों को मैक्सिमम जो उनका वर्क किया जाता था वो नॉर्मली आप लोग रास्ते के थ्रू नहीं जाते थे कि वो रोड से होकर जा रहे हैं अपनी कंट्रीज में, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं, ऐसा नहीं हुआ करता था वो इंडिया से सामान लेते हुए ऐसे होते हुए वो अपनी कंट्री में रोड के थ्रू जा रहे हैं, हमेशा वाटर के थ्रू जाया करते थे, पहले यहां से आया करते थे फिर बाद में उन लोगों को रास्ता मिल गया तो फिर वो यहां से होकर आने लगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, तो सबसे सस्ता होता है, और आज की डेट में जितना भी ऑयल का आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा वो भी मैक्सिमम आप लोगों को वाटरवेज के थ्रू ही होता हुआ दिखेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट साधन है वाटरवेज अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, और सबसे बड़ी बात है आज के डेट में अगर दूसरे वर्ल्ड की आप लोग कंट्री देखेंगे जैसे जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, यूरोपियन यूनियन में यूके हो गया, सारी कंट्री आ गई 28 की 28। हालांकि यूके बाहर निकलने की बात करें, देखिए कब तक बाहर निकल पाता है, आधा प्रोसेस हो गया आधा बचा हुआ है। तो इस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है वाटरवेज में, पर हमारी कंट्री में बहुत लेट यहाँ पर फोकस देना स्टार्ट किया गया इसके ऊपर, ठीक है। तो बात की जा रही है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर वगैरह कई बार पूछे जाते हैं, और कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली मुंबई या इस तरीके की जो बड़ी बड़ी सिटी है वहां पर तो हेडक्वार्टर मिल जाते हैं, पर नोएडा यूपी में आप लोगों का हेडक्वार्टर अगर किसी का होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके से नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, तो अभी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी लेटेस्ट एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब पुराने से हम लोग फोकस देकर नहीं चल रहे हैं, अभी नया नया हम लोगों ने फोकस देकर चलना स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में आती है, ये भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो बात क्या काम क्या करती है, काम ये करती है किस तरीके से सर्विलेंस करना है, किस तरीके से वाटरवेज यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हम लोग नए नए वाटरवेज खोज सकते हैं। आप लोगों ने कई सारे कनेक्टिंग लिंक भी सुने होंगे, आज के डेट में हम लोग इंटरलिंकिंग रिवर का काम कर रहे हैं, तो रिवर को किस तरीके से लिंक करके एक एरिया से दूसरे एरिया में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी अगर हम लोगों को सामान एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजना है उसको आसानी से भेजा जा सके। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो कि आसानी से किए जाएंगे अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में वर्क किया जाता है। तो इस अथॉरिटी के बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा अगर आप लोगों से पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन करना है, ये है लेक्चर पॉलिटी का। देखिए जो नए स्टूडेंट फैमिली में यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो भी मेंबर जुड़ रहे हैं यहाँ पर आकर, उनको बता दूं शाम को हमारा 5 बजे डेली पॉलिटी का लेक्चर आता है, वहां पर पॉलिटी हम लोग लक्ष्मीकांत बुक के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, और लगभग आप लोगों को यहाँ पर 150 के करीब लेक्चर देखने को मिलेंगे। सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप लोग उनको जाकर देख सकते हैं। और जो रिविजन करके मेरे साथ चल रहे हैं यहाँ पर लेक्चर 80 है उनके लिए रिविजन का, कमीशन और बॉडी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की थी कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कि ये मिनिस्ट्री ये वाली बॉडी हो गई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये है लेक्चर का लिंक, आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा फेसबुक पर और यहाँ पर टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे उसके अंदर भी ये लिंक होगा, आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। ओके, तो इसको जाकर रिवाइज कीजिएगा। अब देख लेते हैं योजना का पार्ट। योजना काफी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप लोग कोई भी ऐसे लिखना चाहते हैं, निबंध लिखना चाहते हैं, तो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। योजना में आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर जीएसटी वाला पोर्शन चल रहा है योजना का, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर जीएसटीएन नेटवर्क के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो नेटवर्क है यहाँ पर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, नेटवर्क एक तरीके का वेबसाइट होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं यूपीएससी एसएससी या बैंकिंग का, तो आप लोगों को एक वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाता है। वहां पर क्या करते हैं, आप लोग फॉर्म भरते हैं, सब कुछ ऑनलाइन और आराम से पेमेंट कर देते हैं, सब कुछ सबमिट हो जाता है, घर बैठे बैठे आप लोग आराम से फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी हो जाती है। इसीलिए जो नॉर्मली हम लोग टैक्स पे किया करते थे तो क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे अथॉरिटी के, और वहां पर जहां पर इंसान आ जाता है तो वहां पर लालच भी आ जाता है, और जहां पर लालच आ जाता है वहां पर करप्शन आ जाता है, और फिर जब करप्शन घुस जाता है सिस्टम में तो आप लोगों को पता है फिर क्या होता है, फिर दुनियादारी इधर की उधर होने लगती है। तो कहीं ना कहीं जहां पर हम ह्यूमन इंटरफेस को कम कर पाएंगे और आराम से अपना सिंप्लीफाइड वे में चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उसी के लिए जीएसटीएन नेटवर्क यहां पर पिक्चर में आया। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारी कंट्री को एक आईटी हब कंट्री माना जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग जीएसटीएन नेटवर्क को इस तरीके से ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए स्टार्टिंग में, जिस तरीके से ये होना चाहिए था, और काफी क्रिटिज्म हम लोगों को झेलना भी पड़ा इसकी वजह से। हालांकि आज के डेट में ये ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं यहां पर, और काफी शानदार तरीके से ये चीजों को सिंप्लीफाई कर चुका है, जो कि एक काफी कॉम्प्लिकेटेड एरिया हुआ करता था, अब सब कुछ यहां पर आराम से हो रहा है, और इसी की वजह से हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारी रैंकिंग काफी हद तक बढ़ चुकी है। और बिजनेस एंटरप्रेन्योर या फिर जो कोई भी है जहां पर ह्यूमन इंटरफेस की वजह से यहां पर काफी प्रॉब्लम रहती थी कि टैक्स की स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है यार, वहां पर काम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, तो वो सारे जो मिथ थे वो भी कहीं ना कहीं दूर कर दिए गए हैं इसके द्वारा। ओके, तो इस नेटवर्क के बारे में जानना थोड़ा बनता है। नेटवर्क के बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें गवर्नमेंट शेयर की, तो यहां पर 24.5% आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर नजर आएंगे, और इतने ही शेयर आप लोगों को 24.5% यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के शेयर नजर आएंगे। बाकी का जितना भी शेयर यहां पर बच गया वो सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। जी हां, ये ओनली 49% हुए यहां पर, अब 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है जीएसटीएन नेटवर्क के ऊपर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए। 51% जो शेयर यहां पर बच गए वो आप लोगों को देखने को मिलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथ में, तो उनके अंडर में ही आता है यहां पर। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीएसटीएन नेटवर्क के बारे में, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, जो एक तरीके से वेबसाइट भी आप इसको बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जिस तरीके से यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, तो इस तरीके से ये भी एक प्लेटफॉर्म है यहां पर, और इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। ई वे बिल भी आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, इसी का एक पार्ट है, आप लोग ई वे बिल को समझ सकते हैं यहाँ पर। आखिर में है क्या ये, मान लीजिए एक स्टेट से आप लोग उत्तर प्रदेश से या किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, या फिर बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं एक स्टेट की, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा 50,000 से ज्यादा का कोई सामान लेकर जा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर ई वे बिल के अंडर में आप लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर ई वे बिल आप लोगों को यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है, बाउंड्री क्रॉस करने का आप लोग चार्ज एक तरीके से बोल सकते हैं, और ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। तो उसके भी कई सारे साधन यहाँ पर किए गए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो कुछ फंक्शंस यहाँ पर देख लेते हैं, फंक्शन क्या क्या है यहाँ पर जीएसटी नेटवर्क के, तो ये आप लोगों के सामने है यहाँ पर, तो काफी अच्छे रोल पर ये रोल प्ले करता हूँ यहाँ पर नजर आएगा, किस तरीके से फंड का ट्रांसफर करना है बिटवीन सेंट्रल स्टेट ये नजर आएगा, टैक्स वगैरह कैसे लेना है ये नजर आएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है, और एक मिस भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंप्लीट यहाँ पर सेंट्रल स्टेट के बीच में, ताकि कोई भी लड़ाई न हो जाए, तो फाइल रिटर्न्स यहाँ पर किया जा सकता है। तो काफी कुछ यहाँ पर इस नेटवर्क के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जीएसटीएन नेटवर्क की शेयर होल्डिंग मैंने आप लोगों को भी बताई थी, 24.5% यहाँ पर किसके हैं, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के, 24.5% किसके हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के, बाकी के आप लोगों को देखने को मिलेगा एलआईसी के सबसे ज्यादा है, फिर 11, और बाकी के जो बच गए आईसीआईसीआई बैंक बच गया, एचडीएफसी बच गया, एचडीएफसी बैंक बच गया, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये भी देखने को मिला है एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ तो आप लोग ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग तीन याद रख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर हो गया एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो इनका नेटवर्क का सबसे ज्यादा यहाँ पर इनका दबदबा आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। ओके, तो क्वेश्चन भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ओबीसी के बारे में। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला कौन सी कंट्री ऐसी वर्ल्ड में जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था। सेकंड क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जीएसटी सेंट्रल के टैक्स के बारे में, कौन कौन सा टैक्स यहां पर है जो कि इसके अंडर में आता है, तो ये टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, बताइए कौन कौन सा टैक्स जीएसटी के अंडर में आता है। तीसरा आप लोगों यहां पर जीएसटी के बारे में ही क्वेश्चन है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी रेंज यहां पर जीएसटी की रेंज कितने से कितने तक आती है यहां पर, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मिल सकते हैं। कल भी मैंने आप लोगों से जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, थोड़ा देख लीजिए यहां पर,
पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि साइलेंट जो साइलेंट फीचर है यहाँ पर जीएसटी के, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें क्या क्या था। पहला बोला था मैंने यहाँ पर कि ये किसके ऊपर छोड़ा जाता है, प्रोडक्शन की साइड में छोड़ा जाता है रेदर देन कंजप्शन। बिल्कुल गलत है, कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पर छोड़ा जाता है। मैंने आप लोगों को एक टैक्सी का उदाहरण देकर भी चलाया था कि मगर आप लोगों को अगर आप लोगों को एक कार बनानी है तो वहां पर टायर लेकर आएंगे, स्टेपनी लेकर आएंगे, हैंडल लेकर आएंगे, उसकी बॉडी लेकर आएंगे, तो अलग अलग टैक्स देना पड़ता है वहां पर, ठीक है। तो एक कास्केडिंग टैक्स हो जाती है, फिर गाड़ी बनने के बाद में उसके ऊपर अलग से टैक्स लगता है। तो ये आज के डेट में कंजप्शन के बेस पर मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया ये, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट ये आप लोगों के लिए यहां पर गलत हो गया स्टेटमेंट में। दूसरा क्या है, मल्टीपल टैक्स जो है वो आप लोगों को यहां पर उसको थोड़ा सोल्व कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। जी हां, टैक्स के कास्केडिंग को घटाता है। बिल्कुल सही बोला गया यहां पर, तो स्टेटमेंट दो सही हो गई यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पर, जीएसटी काउंसिल के बारे में कल आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप लोग देख सकते हैं जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में आप लोगों को बताया था, चेयरमैन होता है, ठीक है। फिर छठे नंबर पे यहाँ पर क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रिवेन्यू, जो आप लोगों ने देखा था यहाँ पर, ये भी यहाँ पिक्चर में आते हैं। और आप लोगों को एट नंबर पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो तीनों ही यहां पर पिक्चर में आते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, तो मुझे लगता है कि आप लोग कोई कंफ्यूजन यहां पर फिर इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा आप लोग देखकर चलेंगे तो चीजों को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट हम लोगों ने मिलन एक्सरसाइज के बारे में जाना, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया के द्वारा कंडक्ट की जाती है, मालदीव ने मना कर दिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है और अंडमान निकोबार वाले एरिया में कराई जाती है। सेकंड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा 4G नेटवर्क यहाँ पर मून पर मिलने वाले हैं, और क्यों, क्योंकि 50 साल नासा के प्रोजेक्ट अपोलो को हो गए हैं, उसकी यादगार में आप लोग बोल सकते हैं ये स्टार्ट किया जा रहा है वोडाफोन जर्मनी, नोकिया और कार मेकर ओडी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा स्वजल योजना राजस्थान में स्टार्ट की गई है, 90% गवर्नमेंट 10% कम्युनिटी के द्वारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, लोकल कम्युनिटी इंप्लीमेंट करेगी एक अच्छा स्वच्छ जल जिससे प्रोवाइड कराया जा सके कम्युनिटी को। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर वात्सल्य मातृत्व अमृत कोष के बारे में जिक्र किया गया यहाँ पर, ये आप लोगों को LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया जा रहा है जिसके तहत बच्चों को मिल्क प्रोवाइड कराया जा सके ताकि उनकी जो सेहत है वो अच्छी रखी जा सके, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल 7 के बारे में हम लोगों ने जाना, तो थोड़ा याद रखिएगा टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा, और भी कई सारे यहाँ पर मिलकर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला ये था नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के बारे में हम लोगों ने जाना, थीम थी इस बार की टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट, तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं पर लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने विंध्यागिरी हिंद के बारे हिलर के बारे में जाना, दो हिल है ये, इसके साथ में हम लोगों ने बाहुबली के बारे में भी जाना। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिला ये था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नोएडा में देखने को मिला और किस तरीके से वर्क करता है थोड़ा वो भी हम लोगों ने जाना। इसके अलावा आप लोगों को पॉलिटिकल जाकर रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन ही देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के काफी काम आएगा खासकर जब लोग एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो। नेक्स्ट हम लोगों ने जीएसटी नेटवर्क के बारे में जाना, किस किस का कितना शेयर है वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी और क्या ये वर्क करता है वो सारा देखा। इसके अलावा मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में से आप लोगों का आंसर अच्छे से देना है और बाकी के सारे स्टूडेंट जो भी यहाँ पर नीचे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं आप लोग उनको भी पढ़ सकते हैं। एक मुहिम हम लोगों ने चला रखी है यहाँ पर, हर एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन पोस्ट करेगा, ठीक है, इससे उस स्टूडेंट का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और सबको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, उसके साथ में आप लोगों को आंसर भी पेस्ट करना होता है, तो दोनों ही काम आप लोग करते रहिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों दीजिए और एक दूसरे क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहिए, तो एक अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन बैंक यहीं पर ही मिल जाएगा, आप लोग एक अच्छा एनवायरमेंट यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे थे इनके आंसर आप लोगों ने बताए, आप लोग बताए कितने मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखनी है आप लोगों को, पेड़ पौधों को और पानी को सेव करना है और प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, एनवायरमेंट को अच्छा बनाना है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।